सो हाय गाइस, तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और आज से हम शुरू करने वाले हैं वन ब्लॉक की सीरीज। तो इसको वन ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही ब्लॉक है, बताने की जरूरत नहीं थी मुझे शायद। तो इस वन ब्लॉक की सीरीज के साथ हम अपनी आर्क की सीरीज और माइनक्राफ्ट की सोलो सर्वाइवल की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो मैंने ब्लैक क्लू सर का वीडियो देखा, मुझे काफी इंजॉयबल लगा वन ब्लॉक का, और मैंने सोचा कि चलो मैं भी बनाता हूँ वन ब्लॉक की सीरीज। तो अगर आपको ये मैप डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। तो शुरुआत करते हैं हम इस सीरीज का इस ब्लॉक को तोड़ने से। ये नहीं पढ़ना मुझे, छोड़ो। तो इस चेस्ट में हमें मिलता है 5 ब्रेड और 1 बुक। तो बुक का तो कोई काम नहीं है, इसको फेंकते हैं दूर और इसको भी तोड़ते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर काफी डेड ब्लॉक आ चुका हमारे पास, तो जगह को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और गाइस, इस ब्लॉक में खड़े मत होना, यहाँ पर कई बार ग्लिच होता है और आप लोग नीचे गिर जाते हो और आपका सब सामान चला जाता है। तो कोशिश करना इसके ऊपर ना खड़े होने की। यहाँ पर वाटरमेलन और हेवल भी मिल चुका मुझे, तो बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर एक बोन ब्लॉक भी आ गया, तो इसको तोड़ने के लिए हमें पिकेक्स चाहिए, तो बनाना पड़ेगा हमें पिकेक्स। उसके लिए पहले तो प्लैंक्स से एक क्राफ्टिंग टेबल, और इस क्राफ्टिंग टेबल को फिलहाल तो यहाँ पर रखते हैं। तो बना लेते हैं पहले थोड़ी स्टिक्स और फिर एक पिकेक्स, और एक शॉल भी बना लेते हैं और एक एक्स भी, और यहाँ पर एक चेस्ट भी रख देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास बहुत सामान आ चुका। तो इन सामानों को रखते हैं यहाँ पर और फिर से चालू करते हैं इस ब्लॉक को तोड़ना। ओके गाइस, यहाँ पर एक भेड़ आ चुका, वाह क्या आंखें है इसकी। ओके, यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई, और मैंने यहाँ पर शेडर पैक लगाया है इसलिए आसमान इस तरह का दिख रहा है। तो शेडर पैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर एक गाय भी आ गई। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ इस शेडर पैक को हटा लूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा दिख रहा है, कुछ देर के लिए शेडर पैक हटा लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने शेडर पैक हटा लिया, अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, अभी उतना भी अंधेरा नहीं है। ओके, यहाँ पर एक और काव आ गई, मशरूम काव। ओके, तो गाइस, यहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिला था जो कि मुझसे गलती से टूट चुका, तो उस चेस्ट में हमें बोन मिल और ये सब मिला, स्वीट बेरीज और ब्लू ऑर्किड, तो इनमें से बोन मिल ही काम का है सिर्फ। तो गाइस, अब मुझे इस एरिया को बड़ा करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ। तो इस बटन को रखते हैं यहाँ पर ताकि ये जगह हमें याद रहे, और 2 बटन बना लेता हूँ। ओके, तो करते हैं इस एरिया को बड़ा, और दोनों काव कह गए हमारे, अरे अरे धक्का मत दे उसे। तो गाइस, यहाँ पर खूनी हमारे सामने है, तो इसे मारते हैं। ओके, तो गाइस, यहाँ पर हम बनाएंगे हमारा एनिमल फार्म, और इस तरफ रहेगा वो ब्लॉक और उस तरफ होगा हमारा हाउस। तो इस चेस्ट को भी बड़ा करते हैं, और मुझे अभी तक सैपलिंग नहीं मिली। ओके, तो यहाँ पर एक और गाय आ चुकी, तो इसको हमें नहीं मारना, पिछली गाय को भी मैंने नहीं मारा था। ओके, एक मशरूम काव। ओके, 2 मशरूम काव आ गई हमारे पास, और ये नाच क्यों रहा है भाई। तो देखते हैं हमारे पास कितना वुड है, अगर उससे हम फेंस बना सकते हैं तो कोशिश करते हैं। मुझे एक कलर के ही फेंस बनाने हैं, और मैंने यहाँ पर बना भी लिए 12 फेंस, तो लगाते हैं यहाँ पर इन्हें। ओके, खत्म हो गए, और भी बनाना पड़ेगा मुझे, लेकिन मेरे पास ओक वुड भी नहीं है, देखते हैं अगर हमें ओक सैपलिंग मिले तो। मैं दूसरी वुड से भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक कलर के ही फेंस बनाने हैं। और यहाँ पर एक चेस्ट भी आ गया। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारा ब्रेड है, बहुत सारा तो नहीं है, 25, और यहाँ पर एक वाटर बकेट और पिकेक्स, वुडन पिकेक्स की तो मुझे जरूरत भी नहीं थी, तो इस वाटर बकेट को हमें संभाल के रखना पड़ेगा। ओके, मुझे तो शेडर पैक भी लगाना था, लेकिन रात हो रही है अभी, तो इस एपिसोड में हम शेडर पैक नहीं लगाते, इसके बाद वाले एपिसोड से हम शेडर पैक में ही खेलेंगे ये पूरी सीरीज। ओके, यहाँ पर एक और चेस्ट आया, तो देखते हैं इसमें क्या है, बेकार की चीजें। चलो, बेकार की चीजें तो नहीं, फार्मिंग में काम आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ओक वुड आ गई है, तो देखते हैं इनसे कितने फेंस बनते हैं। ओके, 12 बन गई, तो इन्हें भी लगा देते हैं। ओके, हमारा एनिमल फार्म कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम 2 डर्ट लगा देते हैं। तो हमारा एनिमल फार्म तो तैयार हो गया है यहाँ पर, लेकिन यार मुझे सैपलिंग चाहिए, अभी तक सैपलिंग नहीं मिली मुझे। तो गाइस, अब हमारे पास जितना भी डर्ट है उससे हम इस जगह को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं।
ओके तो इतना बड़ा काफी रहेगा शायद। तो अब हम इस हेवेल से बना लेते हैं थोड़े व्हीट, और मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस करना था। ओके तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया ताकि यहाँ से मैं कूद कर जा सकूँ बाहर, और इन्हें खिला देते हैं थोड़े व्हीट। और कैरेट तो अभी खिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 ही कैरेट हैं सिर्फ। लेकिन यार अभी तक मुझे सैपलिंग नहीं मिली। 2 hours later. ओके यहाँ पर एक फेस खत्म हो चुका, तो यहाँ पर नेक्स्ट फेस आ रहा है हमारा, जहाँ पर हमें स्टोन मिलेगा और आयरन भी। लेकिन इसके बाद वाले फेस में मुझे सैपलिंग मिलेगा? यार मुझे तो सैपलिंग चाहिए था, सैपलिंग ही नहीं मिला। ओके तो ये रहा स्टोन, जिसको तोड़ने से हमें मिलेगा कबल स्टोन, और इससे हम बना सकते हैं स्टोन के टूल्स। ओके कोल भी मिल गया, चलो बहुत बढ़िया। ओके यहाँ पर गोल्ड भी मिल गया हमें, लेकिन हमारे पास आयरन नहीं है। तो गोल्ड को तोड़ने के लिए तो हमें आयरन पिकेक्स चाहिए होगी, जो कि हमारे पास नहीं है, तो इस गोल्ड को हमें भूल जाना पड़ेगा। ओके यहाँ पर हमें आयरन मिल गए, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे स्टोन पिकेक्स चाहिए। तो बना लेते हैं हम थोड़े स्टोन के टूल्स। पहले एक पिकेक्स, एक हैचेट और एक शवल। तो गाइस हमारे पास आ चुके हैं हमारे स्टोन के टूल्स, तो अब तोड़ लेते हैं इस आयरन ओर को। तो गाइस इस फेज में हमें थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फेज में क्रीपर स्पॉन होते हैं, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो स्पॉन होके, तो इसलिए हमें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। और उसके लिए पहले तो मुझे ये ब्लॉक तोड़ना है, और सारा सामान मैं चेस्ट में रख देता हूँ। और मुझे इस काम के लिए चाहिए एक बकेट वाटर और थोड़ा डर्ट, तो वाटर को हम यहाँ पर डालेंगे और जाएंगे हम इसके अंदर। ओके हमें यहाँ पर ब्लॉक प्लेस करना है, तो अब हमें ऊपर जाना है, हमें सिर्फ इस ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक प्लेस करना था। अब इस वाटर को फिर से ले लेते हैं, तो अब हमें डिसाइड करना है हम किस तरफ से इस ब्लॉक को तोड़ेंगे। तो मैं इस तरफ से तोड़ूंगा, तो इस बटन को पहले हटाते हैं, अब मुझे इनको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे ब्लॉक प्लेस करना है, और हमारे पास जो कोल था उससे हम बना लेते हैं थोड़े टॉर्च, तो टॉर्च से हम लाइट अप कर देते हैं एरिया। और मुझे ये वाले ब्लॉक भी तोड़ने पड़ेंगे, और मुझे प्लेस करना है नीचे। और अब हमें ले लेना है थोड़े ब्लॉक्स, तो वुड ही ले लेते हैं, ओक वुड, इनसे बनाना है मुझे प्लैंक्स। और अब मुझे इस एरिया को कवर करना है। ओके 3 ब्लॉक के हाइट तक कवर कर दिया मैंने, और यहाँ पर एक ब्लॉक, और अब मुझे बस यहाँ पर एक ब्लॉक और इसके नीचे एक ब्लॉक, और ऊपर वाले ब्लॉक की तो कोई जरूरत नहीं है, इसे हटा लेते हैं। तो बस हमें इतना करना है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये फ्लॉप भी हो सकता है ये आइडिया, तो एक बार देखते हैं, अगर कोई क्रीपर आ जाए तो पता चल जाएगा हमें। ओके गाइस यहाँ पर एक क्रीपर स्पॉन हो चुका, लेकिन ये मुझे देख नहीं सकता, इसलिए ये फूटेगा भी नहीं, तो इसे हम मार देते हैं। ओके इससे हमें गन पाउडर भी मिल गई, तो इस तरह से हम मॉब से बच सकते हैं। और मैंने इस ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक प्लेस इसलिए किया ताकि ये गिरे नहीं कोई भी सामान। और यहाँ पर एक गोल्ड चला आया फिर से, तो इस बार तो मेरे पास आयरन है, 3 आयरन और है। ओके तो पहले बनाते हैं एक फर्नेस, और इस फर्नेस में डालते हैं हम थोड़े कोल और थोड़े आयरन। ओके तो यहाँ पर 3 आयरन इंगट हमें मिल गए, तो इनसे हम बना लेते हैं हमारा पहला आयरन का पिकेक्स इस सीरीज का, और इससे हम ले लेते हैं हमारा गोल्ड, प्यारा चमकीला गोल्ड। और मैं यहाँ पर चलाया, और गाइस मैं बताना भूल गया था, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, तो आप इससे थोड़ा दूर रह के माइन करना, नहीं तो ये अपने अंदर खींच लेगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पर रह के माइन करूँ, तो देखो मैं इसके अंदर चला आया, इसलिए मैंने ये जगह बनाई है। तो गाइस मैं सोचो आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं, यहाँ पर हमें गोल्ड भी मिल चुका और आयरन भी, तो यहाँ पर हम अमीर भी बन गए। और मुझे लग रहा है कि हम लोग ने अपना एनिमल फार्म थोड़ा ज़्यादा ही छोटा बना दिया, तो उसे मैं ऑफलाइन बड़ा कर दूंगा। और हमारा ज़ॉम्बी से बचने का डिवाइस भी बन चुका है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले नए वीडियो में माइनक्राफ्ट के।